अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तआवनु अलल बिर्रि वत्तक्वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उदवान सदकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक रसूलुन नबीयुल करीम ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। एक मर्तबा खुलूस व अकीदत के साथ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीए दुरूद पेश करें। पढ़िए اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हाजरीन किराम, काबिल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और अजीज बच्चों, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं थोड़ी देर आपको कुछ नसीहतें करूं। तकरीर का मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था और न है। अब चूंकि कोई ऐसा मुकर्रर इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा है, लिहाजा टाइम पास करने के लिए मुझे चंद मिनट के लिए बुलाया गया है। ये अज़ीमुश्शान इजलास दारुल उलूम अहले सुन्नत एहसानुल उलूम का सालाना जलसा है। एहसानुल उलूम की एक हैसियत है, इसकी इमेज है। अब ये मामूली मदरसों में से नहीं, बल्कि ये एक अज़ीमुश्शान मदरसा है और इसकी अजमत को, इसकी अहमियत को यूं समझ लीजिए कि करीमुद्दीनपुर में हम लोगों का एक मदरसा है जामिया अमजदिया रिजविया, जहाँ पर तीन तीन हुफ्फाज़े किराम दर्जे हिफ्ज चलाते हैं। इसके बावजूद यहाँ की ये खसूसियत कि हज़रत अल्लामा मुहद्दिस कबीर का वो मदरसा है, लेकिन अपने पोते की तालीम के लिए, हिफ्ज के लिए उन्होंने अपने पोते को एहसानुल उलूम में दाखिल किया और फिर मेरा नवासा भी इसी मदरसे का परवरदा है और इस साल हाफिज हो गया, उसकी दस्तारबंदी। अब इससे समझ लीजिए कि इसकी क्या पोजीशन। हमारे यहाँ खुद बहुत बड़ा जामिया है, बताया मैंने चार तीन तीन हुफ्फाज़े किराम हैं, दो कारी हैं और न जाने कितने मुदर्रिसीन हैं, आलिम हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों की दर्जे हिफ्ज के लिए निगाह इंतखाब पड़ी है तो एहसानुल उलूम। तो अब इससे अंदाज़ा लगाइए कि एहसानुल उलूम का दर्जा कितना बुलंद है। मुझसे ये भी कहा गया कि मैं कुछ आपसे नसीहतें करूं, तो सबसे पहली नसीहत तो ये कि आप सभी हजरात अपना अपना मोबाइल बंद करें, तस्वीर कशी हरगिज़ न करें। तस्वीर कशी ये हराम है, नाजायज़ है। और हदीस शरीफ में आया है कि जो लोग तस्वीर खींचेंगे जानदार चीज़ों की, क़यामत के दिन उनको उसमें जान डाल देंगे। कौन है जो उन तस्वीरों में जान डाल सकता है? लिहाजा सबसे पहले आप अपना मोबाइल अपने कंट्रोल में रखें। आलिम आएंगे, तकरीर होगी, शायर आएंगे, नातखानी होगी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी तस्वीर लें और अपने मोबाइल में उसे कैद करें। लिहाजा इसको याद रखें।
अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, तआवनू अलल बिर्र वत्तक्वा। ऐ लोगों, भलाई के कामों में, तकवा के कामों में लोगों की मदद करो। वला तआवनू अलल इस्म वल उदवान, और गुनाहों के काम में, सरकशी के काम में हरगिज हरगिज कोई ताऊन और कोई मदद न की। लेकिन अब तो मिजाज ही बदल गया। नेक काम में कहां लोग ताऊन करते, अभी बुराइयां हो तो दुनिया भर का लोग ताऊन करने के लिए तैयार हो। लिहाजा इस बात को आप याद रखें, हरगिज हरगिज बुरे काम न करें। नेकी नेक काम हो रहा है, इतना बड़ा जलसा ये एक बहुत बड़ा नेक काम है। आप तशरीफ लाए, आपको इसका सवाब मिलेगा। उलमाए किराम का बयान सुनेंगे, उससे नसीहतें हासिल करें और उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। सिर्फ ये मजमा लगा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। असल काम ये है कि नेक जो अच्छी बातें बताई जाएं, जो नेक बातें बताई जाएं, उसको आप गिरह में बांध लें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आप सभी हजरात की हिफाजत फरमाए और मसलके आला हजरत पर खूब पुख्तगी और इस्तेकाम के साथ कायम और दायम रखें। وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم।